Assalamualaikum everyone, this is me Anis Raza. जी तो असं पढ़ी है सी प्लांट्स में मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ सिस्टम्स थन था जो एनिमल्स में थन था या ह्यूमन बींग में थन था अड़े तरीके से प्लांट्स में जो अस ट्रांसपोर्टेशन पढ़ियोसे ट्रांसपायरेशन पढ़ियोसे बया जी उन्होंने प्रोसेस थन था उ पढ़ियासी अज अस प्लांट में एक बो अहम प्रोसेस पढ़ासी या अहम सिस्टम पढ़ासी जैसे अस रिप्रोडक्टिव सिस्टम चूं था या अस रिप्रोडक्शन इन प्लांट चूं था। सो सब का पे असा दिसों रिप्रोडक्शन छा है ठीक है। रिप्रोडक्शन एक अड़ो अमल है जैमें जो जानदार आन उ पान जेड़ा पैदा कंदा ठीक है। उनके अस रिप्रोडक्शन चूं था यानि उो नसल वधाईंदा या जो पान जड़ी शन उ पैदा कंदा। सो बाय डेफिनेशन अगर दिसों तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग ठीक है। पाँच औलाद के जन्म दींदा या इन चूं तो ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेट दैम सेल्व्स छो तो जूटा आन जारियन जो बिज हों कॉटन जो हों या इवन बया जो ट्रीज आन उन सीड्स वगैरह हों तो उड़न ही प्लांट्स के जन्म दींदा। सो यो एक्चुअली हों रिप्लिकेशन होंगी उन जानदार जो पान के रिप्लिकेट कंदा ईंदा। सो अस रिप्रोडक्शन प्लांट्स पढ़ासी। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दी रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो अस खबर होजन घुर्जे तो प्लांट है उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट केड़ो है केड़ो वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के अमल में हिस्सो वठे तो। सो अस खबर है तो जो फ्लॉवर है वो प्लांट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो अस चाहिंदासी तो पे थोड़ो प्लांट फ्लॉवर के थोड़ो डिस्कस क्यों तो वो फ्लॉवर हों उनमें कें जो सो ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस कड़े तरीके से ये सजू स्टेप्स मरहलावार अस पढ़ा हल्दी। सब का पे जरूरी है तो अस जो फ्लावर है उनजा जी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थन था उन्हें अस पढ़ू। सो लेट्स कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ द फ्लावर तो उन डेफिनेशन से अचूँ तो इट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर मे हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड गाइनेशियम आर बोथ ठीक है। हाँ प्लांट में हों या तो एंड्रोशियम हों जैसे अस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चूं था या उन में गाइनेशियम हों जैसे अस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम हों जैसे अस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चूं था ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंड्रोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अस गाइनेशियम चूं था या तो ये इन को एक मौजूद हों या ये बई एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में मौजूद हों। अच्छा हाँ अस अचूँ था तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो असो है एंड्रोशियम। हाँ एंड्रोशियम पढ़ो तो एंड्रोशियम इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच मे हैव वन आर मोर स्टेमन्स ठीक है। हाँ एंड्रोशियम में असल में एक या एक का स्टेमन मौजूद हों तो अस यो चई सकूं था तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जो बेसिक यूनिट है वो कड़ो है वो है स्टेमिन एक्चुअली ठीक है। स्टेमिन उन जो बेसिक यूनिट है घना अगर स्टेमिन हों तो मिली करे उनके अस एंड्रोशियम चई सकूं था या जैसे कें फ्लावर में एकड़ो ही स्टेमिन मौजूद है तो उनके भी अस चंदे एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम बेसिकली फ्लावर जो उ हिस्सो है जैसे अस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चूं था। हाँ जैसे उनमें एक स्टेमिन है तो तदें भी वो एंड्रोशियम आ जैसे उनमें ब स्टेमिन तदें भी उनके एंड्रोशियम ही चवंदी। सो अचूँ था तो स्टेमिन की जो स्ट्रक्चर है वह स्टेमिन की वह स्ट्रक्चर कड़े तरीके से है वो कें ठल है या छा। हाँ स्टेमिन अस चूँ था तो पोलिन्स आर पोलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्टेमिन। स्टेमिन में पोलिन्स ठहंदा या पोलिन ग्रेन्स ठहंदा। स्टेमिन इज द स्ट्रक्चर विच हैज़ अ फिलामेंट सपोर्टिंग एंथर ठीक है। यानि हाँ हि जो स्ट्रक्चर दिसो था हि फिलामेंट है हि जो सो इतने एंथर है। हाँ इन बिन्हीं के अस मिले कर यानि इन एंथर के इन फिलामेंट के इनके मिले कर अस चंदे तो यो स्टेमिन ठीक है। इनके अस स्टेमिन चवंदी जडे फिलामेंट एंथर पान में मिलंदा। हाँ पोलिन्स किथे मौजूद हैं या किथे ठहन था या पोलिन ग्रेन्स किथे ठहन था उहंदा अस एंथर में उ अस जैसे पोलिनेशन जो प्रोसेस पढ़ासी तो उनमें अस खबर पवी तो पोलिनेशन है एंथर जो कड़ो रोल है पोलिन ग्रेन्स जो रोल है ठीक।
हाँ अस अचूँ था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ते, जो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आए तो वो क्या है। सो गैनेशियम इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हिस्सो थे तो अस उन गैनेशियम चूं था, ठीक है। सो हाँ गैनेशियम छा है, गैनेशियम कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर पिस्टल्स, ठीक है। हाँ एक या एक का पिस्टल्स जहाँ ठल हूँ या अना भी इं खी चूं तो जो कार्पिल है वो फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बेसिक यूनिट है, ठीक है। यानी जैकड़ो कार्पिल मौजूद है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या फीमेल जे तरफों जो रिप्रोडक्शन वो अमल है उनमें कार्पिल हिस्सो वी। हाँ कार्पिल में भी वन टू आर मैनी, ठीक है। उ सब मिली कर थ्री कार्पिल तरह भी असा उनके गैनेशियम चंदासी, जेकर कें फ्लावर में सिर्फ एकड़ो कार्पिल मौजूद है तो असा उनके भी चंदासी तो यो गैनेशियम है। गैनेशियम बेसिकली आए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। हाँ वरी असा चूं था जो कार्पिल है उन्हें जहाँ भी टे हिस्सा थियन था, कदें कदें कार्पिल जो पिस्टल है इो जो सो सैननम तौर भी यूज थन्द है, ठीक है। यानी पिस्टल चूं या कार्पिल चूं उनकी सेम थिंग है। वरी कदें कदें इं भी किथे किथे तक अचे तो जैसे ब टे कार्पिल उ मिली करे भी पिस्टल के ठाईंदन, तो तक कन्फ्यूज न थियन घुर्जे। पिस्टल ए कार्पिल आम तौर से सागे वर्ड्स हैं, माना एक बे जला इस्तेमाल थी सकन था। सो कार्पिल जा जे टे पार्ट्स हैं, सब का पैरिया स्टिग्मा, नंबर टू स्टाइल ए सी जो है या थ्री चूं वो है ओवरी, ठीक है। हाँ हि जो मथियों ही पार्ट है ऐसो था इन के असा चूं था स्टिग्मा। हाँ स्टिग्मा अच्छा है उन उत आम तौर से जो पोलन ग्रेन्स इंदा उ फर्स्ट टाइम जैसे इंदा तो उसे ड्रॉप थन्दा स्टिग्मा इन स्टाइल के वसीले ही अची कर ओवरी में इंदा। हि स्टाइल आी जो पार्ट आ कार्पिल जो उनके स्टाइल चूं था हि ओवरी वो पार्ट आ, ठीक। हाँ ओवरी में छा है ओव्यूल मौजूद होंद, हाँ ये पोलन ग्रेन इतने ओव्यूल मौजूद होंद त फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस थी दो, ठीक है। सो सिंपल तक यह शे याद रखनी है तो बाबा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये मिली करे छा के ठाइंदा ये कार्पिल के ठाइंदा, ठीक है। ए कार्पिल छा है कार्पिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उन अस अचूँ था फ्लावर ते, हाँ थोड़ो फ्लावर के अस एक्सप्लेन करण खपंद पैर भी पर अस फ्लावर के इतने एक्सप्लेन क्यों था तो फ्लावर जहाँ जन उ चार वॉरल थन था, ठीक है। वॉल छन थ या उनके वॉल भी पढ़ब उन प्रोनाउंसिएशन वॉल भी है, ठीक है। ठीक इनके अस जे ब्रिटेन उनमें आया उनके वॉल पढ़ंदी, जैसे अमेरिकन उन एक्सेंट में पढ़ंदी यो वॉरल पढ़ंदी वॉरल वॉरल, ठीक है। हाँ अस चूं था तो जो फ्लावर है उनमें चईन किस्म जहा वॉरल थन था या इं खी चूं तो चईन किस्म जहा पार्ट्स थन था कें भी प्लांट में, ठीक है। चार हिस्सा थन था उ चार हिस्सा कड़ा चईन हिस्सों में जो एक हिस्सो है उनके अस एंड्रोशियम चूं था, जो बो हिस्सो है उनके गैनेशियम चूं था, ठीक है। ए जो टों हिस्सो है उनके अस कैलेक्स चूं था, जो चौथों हिस्सो है उनके अस कोरोला चूं था, ठीक है। हाँ नंबर वाइज अचूँ था तो हि तसो था हि स्टेम है, ठीक है। हि रिसेप्टेकल है हि जो हिस्सो आ अच्छा इतना जन फ्लावर जहाँ जो हिस्सा उ शुरू थन था। हाँ हि सब का पैर ते दिसो था हि जी लीव्स वागुर इनके अस चूं था सैपल चूं था, ठीक है। हाँ ये सैपल्स जी हि एकड़ो आते बो ये मिली करे कैलेक्स ठाइंदा। हाँ कैलेक्स चाहे बेसिकली वो मजमू है सैपल जो, ठीक है। यानी घना सैपल्स मिली करे छा ठाइंदा कैलेक्स ठाइंदा। उन खां पो असा पढ़ियो से तो जो बो पार्ट आ फ्लावर जो हुआ कोरोला। हाँ कोरोला छा ही ता दिसो ता पेटल है, ठीक है। मैनी पेटल्स जड़े मिलंदा घना पेटल्स मिलंदा या जितरा भी पेटल्स मौजूद हैं कें भी फ्लावर में तो अस उनके कलेक्टिवली चंदा से उनके कोरोला चंदा से, ठीक। उन असा चयोसे त एंड्रोशियम। हाँ एंड्रोशियम छा है एंड्रोशियम बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में छा तो अचे स्टेमिन तो अचे, हाँ स्टेमिन में वरी छा तो अचे हि एंथर तो अचे, ठीक है। एंथर से गडोगे ये फ्लेमेंट थी अचे यो थियो
असो एंड्रोशियम उन चौंता तो बाबा फ्लावर जो चौथों पार्ट आ उन गैनेशियम चौंता हाँ गैनेशियम में छो अचे गैनेशियम में असो ही अची थी वे कार्पल थी अची वे इनके अस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अस पढ़ी आया तो इनके अस चूँ या कार्पिल हाँ ये कार्पिल की स्ट्रक्चर आई सजी ये तक हि जी भी या कार्पिल की स्ट्रक्चर हि इन स्टिग्मा हि इन ओवरी स्टाइल आनजी ओवरी इतने ही ओव्यूल मौजूद आ या जैसे अस एग भी चूंता जिथे फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस थो सो यो सजो कुछ फ्लावर के हवा से हो जडे फ्लावर के सुठे नमूने समझद उन मुख्तलिफ़ पार्ट्स के समझद तो तक पॉलिनेशन है या रिप्रोडक्शन है उनके सुठे नमूने से अंडरस्टैंड कर सको उन गो गड ये शोड़ जरूरी होंदून तुछो वो तो बाबा जो पॉलिन ग्रेन्स उड़े पार्ट में हूँ ऑप्शन दई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंथर ठीक है अड़े किस्म जो सो फ्लावर के पार्ट में मुझी जी अंडरस्टैंडिंग है तो इनमें एम सी क्यू सुठा ठही सकता यो भी पुछी सकता तो बाबा जैसे सैपल्स के कलेक्शन के असा चंदा कैलेक्स चंदा या कोरोला चंदा पेटल्स के कलेक्शन के असा चंदा कोरोला चंदा या कैलेक्स चंदा ठीक है सो अड़े किस्म जहाँ तहड़ा एम सी क्यूज ठही सकता सो तक फ्लावर है एक्चुअली जो ही सजो जो उनको फ्लावर जी जो भी पार्ट्स ये तक बिल्कुल सुठे नमूने से मेमोराइज थल हूँ तो ये तक सुठी ग्रिप दींदा सो इन हवाले से तें भी किस्म की क्यूरी कें भी किस्म जो सवाल हुए तो यू आर फ्री टू आस्क थैंक यू।